अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी आयशा रिजवान फ्रॉम आयशा डिजिटल ब्यूटी। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। और जी तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी एक और ट्रिक लेकर आई हूँ, आई लैशेज को वॉश करना। देखिए, हम अगर कोई भी आई लैशेज लेते हैं और कई दफ़ा हम इतनी एक्सपेंसिव आई लैशेज ले लेते हैं और एक दफ़ा दो दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम उनको फेंक देते हैं, जो कि हमें फेंकना नहीं चाहिए। हमें उन लैशेज को दोबारा रीयूज कर लेना चाहिए। और उसी के लिए मैं आपके पास एक अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूं कि आपने अपने आई लैशेज को कैसे वॉश करना है, कैसे क्लीन करना है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रहें और देखें कि मैंने उनको कैसे वॉश किया और कैसे बिल्कुल न्यू आई लैशेज बना दी है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आई लैशेज को बाहर निकालना है डब्बी में से और उसके ऊपर मैंने एक क्लेंजर अप्लाई करना है। आई लैशेज होल्डर के साथ बिल्कुल अप्लाई हुई हैं और आपने भी इसी तरह से उनको होल्ड ही रहने देना है। पहले आपने उसको अच्छी तरह से क्लेंजर, कोई सा भी ले सकते हैं आप, वो क्लेंजर लेना है और उसको स्पूली की मदद से अप्लाई कर देना है पूरी लैशेज के ऊपर। थोड़ा सा अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और क्लेंजर अप्लाई करते हैं। इसी तरह से स्पूली की मदद से आपने जितना भी मस्कारा और वो आपका लगा हुआ है लैशेज के ऊपर, आपने उसको रख देना है लगा के। 2 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है। इस तरह से मैं दूसरा कंटेनर अब लैशेज का निकाल रही हूँ, तो उसमें से मैंने अब ऐसे ही सेम मेथड के साथ क्लेंजर अप्लाई कर लेना है, स्पूली की मदद से स्प्रेड कर लेना है और 2 मिनट के लिए उसको रख देना है। फिर इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर के लिए हमने कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी है, थोड़ा सा शैम्पू क्लिनज़र। आपने शैम्पू बहुत ज़्यादा झाग वाला नहीं बनाना, तो इसमें थोड़ा सा ही शैम्पू आप डालेंगे और उसके बाद आप कंटेनर से लैशेस को रिमूव करके आप उसके अंदर डिप कर देंगे। डिप भी आपने इस तरह से कि 2-3 मिनट तक डिप करके रखना है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाए जो जेल लगी हुई है हमारी। और इसके मैंने जो कंटेनर है वो भी साफ़ कर लिए अच्छी तरह से। इस तरह से आप भी साफ़ करके रख लें। अभी हम इनको बाहर निकालेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे ये सॉफ्ट हो चुकी है, इनकी ग्लू इजीली उतर जाएगी। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके उतरेगी। आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथ के साथ इसको उतारना है। ऐसे नहीं कि ये मेरी वीडियो फास्ट है तो आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत खींच के इसको ग्लू को उतारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी इसको आराम से, तसल्ली से, गुस्सा नहीं दिखाना, तसल्ली से सुकून के साथ आपने इसको रिमूव करना है ग्लू को, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको साफ़ करके अच्छी तरह से कंटेनर पर अप्लाई कर देना है। मस्कारा भी उतर जाता है, ग्लू भी उतर जाती है और बिल्कुल लैशेज न्यू की न्यू हो जाती हैं। जिस तरह आप मेरे देख सकते हैं, लैशेज दोनों साफ और सुथरी हो चुकी हैं। आप इसको ट्राई करें, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ करना है, हार्ड हैंड नहीं लगाने। वापस इनकी डिब्बियों में मैंने डाल दिया और अब ये देखें, ये शैम्पू और ये क्लेंजर और हमारे पास ये एक स्पूली है, जिसकी मदद से हमने ये पूरा अपना लैशेज को क्लीन कर लिया। तो आपको ये पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।